हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। ये चैनल पे हम ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस में वीडियो पब्लिश करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि लिगामेंट इंजरीज की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो लिगामेंट इंजरी में अगर ग्रेड वन टीयर आता है तो वो क्या है? ग्रेड वन यानी कि लिगामेंट की जो पूरी थिकनेस होती है, जो बैंड होता है, उसमें 50% से कम इंजरी हुई है। ग्रेड टू यानी 50 से 75% की इंजरी हुई है, और ग्रेड थ्री यानी कि 100% थिकनेस का टेयर हुआ है। सो ग्रेड वन इंजरी अगर किसी को होती है तो उसमें ज़्यादातर केस में सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इन लोगों को हम फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़रूरत पड़े तो स्पेशल टाइप के हम बेल्ट उनको देते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ग्रेड वन इंजरी में फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। ग्रेड टू इंजरी जिसमें अप टू 75% ऑफ द लिगामेंट इंजरी देखने को मिलती है, उनमें भी काफ़ी टाइम फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। स्पेशल केस में बेल्ट भी बनाना पड़ता है। लेकिन ग्रेड टू इंजरी अगर हाई लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को होता है तो उनमें ये फिजियोथेरेपी से काफ़ी टाइम ठीक नहीं होता। और अगर हम ग्रेड थ्री की बात करें, जहाँ पे फुल थिकनेस लिगामेंट इंजरी यानी कि कंप्लीट टेयर देखने को मिलता है, ऐसे केस में अगर स्पोर्ट्स प्लेयर है या नहीं भी है, इनमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, पाँव लचक जाता है। और अगर इसमें अगर हम कुछ नहीं करते तो नी के अन्य स्ट्रक्चर्स जैसे कि मेनिस्कस, कार्टिलेज भी इंजर्ड हो सकता है। तो ऐसे केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो सर्जरी की जाती है वो दूरबीन से की जाती है, छोटे होल से की जाती है, और ये सर्जरी को कहा जाता है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन हम एडवाइस करते हैं ग्रेड थ्री इंजरी में। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो सारे लिगामेंट्स के बारे में बात की, उसमें मोस्ट कॉमन इंजरी 95% ऑफ द केस में ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में देखने को मिलती है, जो सेंटर का मेन लिगामेंट है। तो हम ACL सर इंजरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर ग्रेड थ्री टीयर है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में, तो ज़्यादातर केस में सर्जरी की आवश्यकता रहती है, जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है। ये सर्जरी का नाम है आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन। ये सर्जरी का नाम सुन के हमारे पास जो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, शुरू शुरू में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सर्जरी के बाद मेरी रिकवरी आगे कैसी आएगी, वापस मैं खेल पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण ये सर्जरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये छोटे छोटे होल्स में से ही हो जाती है, जिनमें ज़्यादा कोई स्टिचेस भी नहीं लगते। हॉस्पिटल में स्टे काफ़ी कम हो जाता है, सर्जरी के बाद पेन बहुत कम होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और रिकवरी बहुत फास्ट है। ये सर्जरी कैसे की जाती है, उसमें आगे रिकवरी कैसे होती है, और आगे एक्सरसाइज कौन से करने को रहती है, वो आगे की वीडियोस में हम आपको एनिमेशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें।